हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कॉलेज एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हम शायद इंटरनेट के बिना एक पल भी गुजारना शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो आपने इतना, जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो इंटरनेट के जो डेटा प्लान्स होते हैं वो पूरे महीने के क्यों नहीं होते, यानी कि 30 दिन या फिर 31 दिन के क्यों नहीं होते, बस 28 दिन के क्यों होते हैं, या फिर अगर 2 महीने के लिया जाए तो फिर 56 दिन के क्यों होते हैं, ना कि 60 दिन के। तो इसी चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर ऐसा देखा जाए तो ये एक्चुअली में टेलीकॉम सर्विस वालों के लिए एक प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसा अगर हम देखें तो फिर एक्चुअली में जो इंसान की मेंटेलिटी होती है वो क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे विश्वास रखता है, यानी कि मतलब कितना ज़्यादा आपको मिल रहा है वो नहीं देखता, लेकिन कितने में आपको मिल रहा है वो देखता है, क्योंकि पैसा सबसे ज़रूरी है वो हम सबको पता ही है। इसलिए अगर आपको अगर 200 रुपये में अगर एक इंटरनेट प्लान मिलता है और अगर 250 रुपये में इंटरनेट प्लान मिलता है, भले ही वो 200 से अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान 200 वाला ही प्रेफर करेगा, क्योंकि वो शायद ऐसा है हमारे एक्चुअली इंडियंस में ज़्यादातर मेंटेलिटी, वो लोग सोचेंगे कि भाई और 50 रुपये में हम और भी कुछ ज़्यादा कुछ खरीद सकते हैं जो शायद ज़्यादा काम के हो, ना कि सिर्फ डेटा प्लान लेना। इसलिए मोबाइल कंपनीज़ वाले क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के जो डेटा प्लान है वो ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्राइस है वही सेम रहती है। लेकिन अगर आपने कभी देखा हो तो पहले 200 रुपये में 1.5 GB इंटरनेट पर डे मिलता था आपको, लेकिन वही आपको 250 रुपये में मिलता है और 200 रुपये में आपको 1 GB पर डे मिलता है। तो इंसान ये नहीं सोचता कि 250 रुपये में मतलब 50 रुपये ज़्यादा हो गया है इंटरनेट प्लान, लेकिन वो 200 ही प्रेफर करता है, लेकिन ये नहीं देखते कि 50 रुपये ज़्यादा हो गया महंगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि 200 रुपये को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो 500 MB है वो कम हो गया है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली में हमें अगर भी लगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये हमारा एक छोटा एक तरह से देखा जाए तो नुकसान है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो फिर हम किसी भी दुकान में जाने के बाद हम किसी भी जो प्रोडक्ट होता है उसका हम साइज़ या फिर वेट नहीं पूछते कि कितने ग्राम का है, लेकिन हम पहले वही पूछते हैं कि कितने का है, मतलब हम पैसा देखते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल आपने कहीं भी देखा हो तो जो बिस्किट्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, लेकिन साइज़ वही रहती है। तो फिर ये एक्स्ट्रा सिर्फ वो मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनीज़ वाले ऐसा करते हैं, और लोग इसी को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग उनको पता ही नहीं चलता कि उनका एक्चुअली में लॉस हो रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो 1 महीने में होते हैं 30 दिन या फिर 31 दिन, लेकिन जो मोबाइल के डेटा प्लान हैं वो होते हैं 28 दिनों के। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर 1 महीने में अगर हम 30 दिन के हिसाब से चले तो फिर अगर उसमें 28 दिन लिया जाता है तो 1 महीने में 2 दिन कम हो जाता है, और 1 साल में होते हैं 12 महीने। तो अगर 12 महीने को हर महीने के 2 दिन से मल्टीप्लाई करें तो 1 साल में 24 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं जहाँ पे आप इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते। तो शायद और जो कुछ महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं वो अगर 1-2 दिन हम लगा दें तो उस हिसाब से कम 30 से 31 दिन ऐसे चले जाते हैं जिसमें आपको एक और इंटरनेट यूसेज डेटा प्लान लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको 12 महीने में 12 डेटा प्लान नहीं बल्कि 13 डेटा प्लान लेना पड़ता है। सो इस हिसाब से अगर हम मान के चले अगर एक इंसान हर महीने 200 रुपये का डेटा प्लान डालता है तो उस हिसाब से अगर वो 12 की जगह 13 डेटा प्लान यूज़ करेगा तो उस हिसाब से 1 एक्स्ट्रा उसका जाता है। और अगर एक इंसान 200 रुपये ही भले ही डाले, लेकिन अगर वही करोड़ों में अगर हम उसको ऐड करें तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि टेलीकॉम सर्विस वालों को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए एक इंसान की जो मेंटेलिटी होती है पैसों को लेकर, और यही मेंटेलिटी का जो कंपनी वाले जो फ़ायदा उठाते हैं, इसी की वजह से एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट उनको होता है लेकिन हमें लॉस होता है। सो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें जहाँ पर मैं ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।